स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 321 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेक्चर 20 पार्ट सेकंड फर्मेंटेड बेवरेजेस। इन दिस लेक्चर आई विल कवर साइडर, वर्माउथ, ब्रांडी, टाइप्स ऑफ विनेगर एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विनेगर। पिछले लेक्चर के अंदर अपने जो इसका पार्ट फर्स्ट था फर्मेंटेड बेवरेजेस का, उसमें अपने वाइन, टाइप्स ऑफ वाइन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाइन को कवर किया था। ठीक है, वो पिछले पार्ट के अंदर आपको अगर वाइन के बारे में पढ़ना है तो पिछले लेक्चर को आप फर्स्ट जो है इसका पार्ट उसमें आप देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। साइडर, इट इज प्रिपेयर्ड मोस्टली बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्पेशल ग्रेड एप्पल विच आर रिच इन टैनिन कंटेंट ऑफ 0.1 to 0.3%। जो साइडर है इसे ज़्यादातर जो एक स्पेशल ग्रेड के सेब होते हैं जिनमें टैनिन कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि 0.1 to 0.3% होता है, उनसे इसे बनाया जाता है साइडर को। ठीक है, हाउएवर वेरी कन्फ्यूजिंग एज फार एज एप्पल साइडर इज कंसर्न। जैसे कि इसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है एप्पल साइडर के बारे में। इन द यूनाइटेड स्टेट्स एप्पल साइडर मीन्स इम्प्योर और नॉन क्लेरिफाइड एप्पल जूस, वाइल एप्पल जूस इज क्लियर एंड स्पार्कलिंग जूस। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो USA है वहाँ पे एप्पल साइडर का मतलब होता है एक सेब का जूस जो इम्प्योर हो। ठीक है, अशुद्ध जूस कह लो, एक तरीके का अशुद्ध जूस होता है, उसे एप्पल साइडर कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो जबकि दूसरी कंट्रीज हैं जैसे यूरोप है, इंडिया है, वहाँ से एप्पल साइडर का मतलब होता है एक फर्मेंटेड जूस। ठीक है, सेब का फर्मेंटेड जूस जिसे एप्पल साइडर कहते हैं, मतलब किण्वित जूस। ठीक है, इन इंडिया डेजर्ट एप्पल्स आर यूज टू प्रिपेयर गुड क्वालिटी साइडर। इंडिया के अंदर जो डेजर्ट एप्पल होता है उससे अच्छी क्वालिटी का साइडर तैयार किया जाता है। द एल्कोहल कंटेंट इन साइडर रेंजेस फ्रॉम 4 to 6%, और जो इनमें एल्कोहल कंटेंट होता है, ठीक है, वो इसमें 4 to 6% तक होता है। ठीक है, इसमें एल्कोहल जो पाया जाता है वो 4 to 6% होता है। फ्रूट्स लाइक बेल, जामुन, फालसा एंड आंवला कैन आल्सो बी यूज टू मेक साइडर। द टेक्नोलॉजी फॉर प्रिपरेशन इज ऑलमोस्ट द सेम एज द ग्रेप वाइन। इसके लिए जो फल हैं, ठीक है, एप्पल से बनता है एप्पल साइडर, पर इसके अलावा और भी फलों से साइडर बनाया जाता है, जैसे बेल है, बेल पत्ता जिसको कहते हैं, जामुन है, फालसा है, आंवला है, ठीक है, आंवला, उससे भी इसको बनाया जाता है। और जो इसकी टेक्नोलॉजी होती है बनाने की, जो कह लो विधि होती है, वो बिल्कुल सेम होती है जैसे ग्रेप वाइन की, ग्रेप वाइन बनाई जाती है जो अपने पीछे पड़ी है, सेम विधि से इसको बनाया जाता है। द एप्पल इज क्रश्ड एंड प्रेस्ड टू एक्सट्रैक्ट द जूस, देन कैन शुगर इज एडेड टू राइज इट्स शुगर कंटेंट टू 22 degree Brix। इट इज प्रिजर्व्ड विद 100 ppm सल्फर डाइऑक्साइड एंड ए प्योर कल्चर ऑफ वाइन यीस्ट इज एडेड फॉर फर्मेंटेशन। एप्पल को पहले क्या करते हैं, जो सेब होते हैं, सेब को पहले मैश कर लिया जाता है, या कह लो कि उसकी लुगदी बना लेते हैं, क्रश कर लेते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद उस लुगदी को प्रेस करके उसमें से जूस को निकाल लेते हैं, फिर उसमें उसकी जो TSS है उसको 22 डिग्री ब्रिक्स करने के लिए, उस जूस के TSS को 22 डिग्री ब्रिक्स करने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी मिला दी जाती है, शुगर मिला देते हैं। इट इज़ फिर उसके बाद उसमें एक प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जो 100 ppm मिलाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड काम क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो उसमें वाइल्ड जीस्ट होती है या कोई और बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है, कोई और बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, उसको रोकने का काम करती है। फिर उसके 1-2 घंटे बाद उसी में एक प्योर कल्चर, जो वाइन जीस्ट का प्योर कल्चर होता है, उसको ऐड करते हैं, मतलब जाग लगाते हैं, स्टार्टर डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, जिससे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाए, क्योंकि अपने पहले उसमें प्रिजर्वेटिव मिला दिया है और जो उसमें कोई भी फंगस है जो ग्रोथ करेगी, फर्मेंटेशन करेगी, वो सारी अपने एक बार ख़त्म कर दी है। फिर 2 घंटे बाद उसमें अपने जाग लगाते हैं या उसमें स्टार्टर डालते हैं, जिससे कि वो वापस से फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है, या कह लो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। ठीक है, समटाइम्स डाई अमोनियम
हाइड्रोजन फास्फेट DAHP 0.02 to 0.05% इज एडेड एज ए फूड सप्लीमेंट फॉर जीस्ट। कभी कभी क्या करते हैं कि इसमें डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट को भी मिलाते हैं एज ए सप्लीमेंट, मतलब जो उसमें जीस्ट ग्रोथ कर रहे हैं, जिस वाइन जीस्ट जिसको अपने डाला है उसकी ग्रोथ के लिए उसके भोजन के रूप में डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट को 0.02 से लेकर 0.05% तक उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो यीस्ट है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। द मेथड ऑफ फर्मेंटेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर वाइन्स, और इसकी जो विधि है पहले मैंने बताई थी बिल्कुल सेम होती है, जैसे कि किसी भी वाइन बनाने की विधि होती है सेम होती है। आफ्टर फिल्ट्रेशन द साइडर इज एज्ड इन ओक वुडन बैरल्स, मैच्योर साइडर इज बोटल्ड हीटेड टू 65 डिग्री सेल्सियस क्राउन कोर्क एंड पास्चराइज्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। जैसे ही मतलब जैसे वो दूसरी विधियों के अंदर करते हैं सारा, ठीक है, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद जिस जब बन जा उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसको छान लेते हैं, छानने के बाद उसमें उस साइडर को वुडन वैरल के अंदर ओक की लकड़ी के बने हुए जो वैरल्स रहते हैं बड़े बड़े ड्रम टाइप के रहते हैं, मैंने पिछली पिक्चर में वाइन के अंदर मैंने दिखाए हुए हैं पिक्चर में, ठीक है, तो उनके अंदर इसको भर के रख देते हैं जिससे कि ये वाइन है जो वो मैच्योर हो जाए, जिससे कि उसमें ओक की फ्लेवर भी आ जाए, ओक की लकड़ी है ओक की थोड़ी बहुत फ्लेवर आ जाए और वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये गले को पकड़ती है और सॉफ्ट हो जाती है जब वो मैच्योर हो जाती है, थोड़ा टाइम पड़ी रहती है तो उसकी जो कड़वाहट कड़वाहट तो नहीं कहोगे एक तरीके की खराश होती है जो गले को पकड़ती है वो चीज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। देन जो मैच्योर साइडर होती है, ठीक है, जैसे ही वो पक जाती है 3-4 महीने में उसके बाद उस साइडर को एक गर्म गर्म बोतलों के अंदर 65 डिग्री सेल्सियस गर्म बोतलों के अंदर डाला जाता है और ऊपर से क्राउन कोर्क किया जाता है। क्राउन कोर्क के बारे में बता दूं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो ऊपर से दूसरा ढक्कन आता है, ठीक है, एक तो चूड़ी वाला रहता है एक बिना चूड़ी वाला जिसको आप उससे खोलते हो, अभी मेरे ध्यान भी नहीं आ रहा, जैसे ठंडे की बोतल को खोलते हो आप, ठीक है, उसके ऊपर जो रहते हैं ढक्कन रहते हैं जो पुराने टाइम के ठंडे रहते थे 10-10 रुपए के आते थे उनके ऊपर जो ढक्कन रहते हैं उसको क्राउन कोर्क कहते हैं उस ढक्कन को, ठीक है, उसको लगाना क्राउन कोर्किंग कहलाती है। एंड उसके बाद उन बोतलों को पास्चराइज करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, उन बोतलों को गर्म गर्म पानी के अंदर 60 डिग्री सेल्सियस का होता है उसमें 30 मिनट तक रखा जाता है। उसके बाद एप्पल साइडर इज आल्सो कार्बोनेटेड फॉर बेटर एक्सेप्टेबिलिटी, जो एप्पल साइडर होता है इसे बोतलों उसमें कार्बोनेशन या कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलाते हैं जिससे कि एक तो ये प्रिजर्व हो जाए लंबे टाइम तक ख़राब ना हो, ठीक है, दूसरा जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो उसमें से बुलबुले निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सेम प्रोसीजर से इनको भी पैक किया जाता है बोतलों के अंदर कि कुछ मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट मिला देते हैं, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे उससे हल्के हल्के बुलबुले के रूप में वो गैस बाहर निकल जाएगी जो कि एक तो उसको प्रिजर्व करेगी लंबे टाइम तक कि वो ख़राब ना हो, इसके अलावा उसका एक कार्बन डाइऑक्साइड एक अपना स्वाद भी छोड़ के जाएगी उसके अंदर। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीते हो जो अभी नई खोली है उसका स्वाद और कुछ टाइम पहले खोली हुई पड़ी हुई है जो उसका स्वाद में अंतर होता है, क्योंकि जो खुली अभी खुली है नई उसमें तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड है घुली हुई है और जो पहले से खोल के रख रखी है आपने बहुत टाइम हो गया पड़ी पड़ी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है तो उसके स्वाद में अंतर होता है, सेम इसमें भी स्वाद के अंतर आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड घुलने के कारण स्वाद में चेंजेस आ जाते हैं बढ़ जाता है। देन है वर्माउथ, वर्माउथ क्या होता है, इट इज़ ए फोर्टिफाइड वाइन इन विच एल्कोहल कंटेंट रेंजेज फ्रॉम 15 to 21% एंड फ्लेवर्ड विद मिक्सचर ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। फोर्टिफाइड क्या होती है, सॉरी वर्माउथ क्या होती है, एक तरीके की फोर्टिफाइड वाइन है, मतलब एनरिच की हुई जिसमें बढ़ाया गया उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ और इसमें जो एल्कोहल कंटेंट होता है वो 15 से 21% तक इसमें एल्कोहल होता है, ठीक है, और इस वर्माउथ के अंदर एक खासियत और है, इसमें
हर्ब्स और स्पाइसेस, मसाले और औषधियों को, जहाँ कह लो एक तरीके की, ठीक है, हर्ब्स को उसमें मिलाया जाता है, जो उसके टेस्ट को एनहांस करती हैं, उसके टेस्ट को बढ़ाती हैं, ठीक है। मसालों को उसमें डाला जाता है, कहने का मतलब। फिर है ब्रांडी। ब्रांडी इज ए डिस्टिल्ड ऑब्टेंड फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ वाइन एंड जनरली एज्ड इन स्मॉल ओक बैरल्स, एग्जाम्पल कॉगनी एंड आर्मेनी। ब्रांडी क्या है, एक जैसे आप वाइन बनाते हो, ठीक है, वाइन बना ली, वाइन को बाद में आसवन कर लिया जाता है वाइन का, ठीक है, और उसे प्योर कर लिया जाता है, उसका जो अल्कोहल कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे उसमें मैंने बताया था ब्रांडी के अंदर 20 तक होता है, सॉरी वाइन के अंदर 20 तक होता है, ब्रांडी के अंदर 21 तक होता है, और इसमें क्या होता है कि अल्कोहल कंटेंट इससे भी ज़्यादा होता है, और ब्रांडी एक प्योर फॉर्म होती है, अल्कोहल प्योर अल्कोहल होता है, जिसको बाद में आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, उसको फोर्टिफाइड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब उसमें थोड़ा सा ऐड किया, उस अगर आपने वाइन का थोड़ा सा अल्कोहल कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में ऐड कर दिया। इसके अलावा कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं जो प्योर फॉर्म में आते हैं, ब्रांडी को सीधा भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कॉगनेई, इसके अलावा आर्मेगनी जो है, ये कुछ उसके ब्रांड हैं, ठीक है, जो मार्केट में मिलते हैं। उसके बाद है विनेगर। विनेगर क्या है, अपने हिंदी भाषा में उसको सिरका कह देते हैं, सिरका, ठीक है, जैसे अचार को प्रिजर्व करना है तो अचार में सिरका डाल दिया, नूडल्स बनाते हैं लोग आपको बड़े बड़े होटलों में, तो वहाँ पे विनेगर का यूज़ किया जाता है, सिरके का यूज़ करते हैं। द वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच विनेगरी विच मीन्स श्योर वाइन, ठीक है, जो वर्ड है ये फ्रेंच विनेगरी शब्द से ड्राइव हुआ है, उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है खट्टी शराब, ठीक है, श्योर मतलब खट्टी शराब, विन मीन्स होता है वाइन और एग्री मीन्स होता है श्योर खट्टा। विनेगर इज ए लिक्विड ऑब्टेंड बाय एल्कोहलिक एंड एसेटिक फर्मेंटेशन ऑफ सुटेबल इंटीग्रेडिएंट कंटेनिंग शुगर, एटलीस्ट 10% फर्मेंटेबल शुगर। जो विनेगर है वो एक लिक्विड है, जिसको पहले तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जिसमें बाद में एसेटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, जिसमें एक सुटेबल इंटीग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, कम से कम उसमें 10% जो फर्मेंटेबल शुगर होनी चाहिए और उसमें स्टार्च होना चाहिए, ठीक है। मतलब विनेगर क्या है, एक तरीके की कह लो कि एक रस कह लो, ठीक है, एक रस है जिसमें 10% शुगर होनी चाहिए, मतलब उसमें किसी फल के अंदर अगर शुगर कम है रस के अंदर तो उसमें ऐड की जाती है, पर हाँ उसमें कम से कम 10% तो जो फर्मेंटेबल, जो किण्वित होने वाली शुगर होनी चाहिए, प्लस उसमें स्टार्च होना चाहिए, और ऐसे जूस का पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, मालिक यानी कि अपने वाइन जूस उसमें मिलाते हैं, पहले अल्कोहलिक अल्कोहल बनता है, फिर उसी का वापस एक और क्रिया होती है, उसको दूसरी स्टेज के अंदर डालते हैं, जहाँ पे एसेटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसका, ठीक है, मतलब दो बार फर्मेंटेशन होता है उसका, एसेटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है बाद में, तो इट कंटेन्स अबाउट 5% एसेटिक एसिड एंड हैज़ डिसइन्फेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर 5% एसेटिक एसिड होता है, मतलब जो आपकी विनेगर बनती है, सिरका बनता है, उसमें 5% तक उसमें एसिटिक एसिड होता है, और ये एक डिसइनफेक्टेंट के रूप में या फिर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। इन ट्रेड विनेगर इज लेबल्ड अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेडिएंट्स यूज्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग, एग्जाम्पल माल्ट विनेगर फ्रॉम माल्ट एंड साइडर विनेगर फ्रॉम एप्पल जूस, ठीक है। ट्रेड के अंदर ये कह लो कि अपने जो बेची जाती है, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग लेबल लगे हुए रहते हैं, जिस चीज़ से उसकी बनाई जाती है, सिरके को जिस चीज़ से बनाते हैं उसी चीज़ का उस पर लेबल लगा हुआ रहता है, जैसे कोई माल्ट से बनी हुई है तो वो माल्ट विनेगार कहलाती है, ठीक है, अपने इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, वैसे माल्ट क्या होती है, तो माल्ट विनेगार जो माल्ट से बनाई जाती है उसे माल्ट विनेगार कहते हैं, और जो एप्पल जूस से बनाई जाती है उसे साइडर विनेगार कहते हैं, ठीक है। जैसे पहले एप्पल साइडर तैयार किया, फिर उसका फर्मेंटेशन आगे एसेटिक एसिड फर्मेंटेशन कर दिया, ठीक है, उससे जो तैयार होगी वो आपकी साइडर विनेगर कहलाएगी। देन टाइप्स ऑफ विनेगर, देर आर टू टाइप्स, दो टाइप होते हैं विनेगर के, ठीक है। पहला होता है
ब्रेव्ड विनेगर, ब्रेव्ड कह लो एक तरीके की, जो फलों के रस से जब उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में फल पाए जाते हैं, या ये कह लो कि नेचुरल चीज़ें होती हैं। जैसे विनेगर इज़ मेड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, स्टार्चेज सब्सटेंसेज एंड शुगर कंटेनिंग सब्सटेंसेज। विनेगर है उसे बहुत टाइप के फलों से, जहाँ जो स्टार्ची सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है उनसे, या जो शुगर कंटेनिंग सब्सटेंसेज होते हैं जैसे मोलासिस है, हनी है, ठीक है, सीरा कह लो, और जो शहद है उससे बनाई जाती है बाय एल्कोहलिक एंड सब्सिक्वेंट एसिटिक फर्मेंटेशन। ठीक है, मतलब विनेगार जो है वो ब्रिवेट विनेगार है, वो क्या है कि फलों, अलग अलग टाइप के फलों से, या फिर जो स्टार्ची सब्सटेंस होते हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, उनसे, या जिनमें शुगर पाया जाता है कुछ मात्रा में जैसे हनी है, शहद, या आपका मोलासिस है, ठीक है, सीरा, उससे उसके एल्कोहल फर्मेंटेशन, फिर बाद में उसके एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन से इसको बनाते हैं। मतलब दो प्रोसेस उसमें होती हैं। तो पहला है फ्रूट विनेगर क्या होती है, मतलब ये टाइप है, ठीक है। विनेगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, पियर, पीचेस एक्सेट्रा। विनेगर है वो अलग अलग फलों से बनाई जाती है, क्योंकि अलग अलग फलों से वाइन बनाई जाती है, तो वाइन का आगे फर्मेंटेशन फिर करते हैं एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में, जिससे विनेगार आपको मिल जाता है, ठीक है। तो हर फल से, या कह लो कि जिस भी फल से वाइन बनाई जाती है उससे विनेगार भी बनाया जाता है। फिर है पोटैटो विनेगार। पोटैटो विनेगार मतलब पोटैटो स्टार्च इज यूज टू मेक इट, जैसे कि पोटैटो के अंदर चीनी नहीं, जब मीठा नहीं होता पर स्टार्च होता है, स्टार्च का फर्मेंटेशन हो जाता है, ठीक है। पोटैटो स्टार्च इज यूज टू मेक इट, इसको बनाने के लिए स्टार्च, जो पोटैटो का स्टार्च होता है उसको यूज करते हैं। फिर है माल्ट विनेगार। माल्ट विनेगार क्या होती है, माल्ट विनेगार इज ऑब्टेन्ड एंटायरली फ्रॉम माल्टेड बार्ले। माल्ट विनेगार के अंदर क्या होता है कि जो जौ का आटा रहता है, ठीक है, ठीक है, उसमें माल्ट एक तरीके का मैदा कह लो, मैदे से स्टार्च निकलता है जिसको माल्ट कहते हैं, उस माल्ट से इसको तैयार करते हैं, ठीक है। जौ का जो आटा रहता है, ठीक है, आटा कह लो, या उसका जो मैदा रहता है, आटा बना लो या मैदा बना लो, उसमें कुछ मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, तो उस स्टार्च को माल्ट कहा जाता है, जौ के आटे के जो माल्ट स्टार्च को माल्ट कहा जाता है, उस माल्ट से विनेगार तैयार की जाती है। देन मोलासिस विनेगार। मोलासिस इज डाइल्यूटेड टू 16% TSS, pH कंसर्न विद सिट्रिक एसिड एंड देन फर्मेंटेड। मोलासिस क्या होता है, पहले तो सीरा बोलते हैं अपने, जो जब चीनी बनाई जाती है, ठीक है, चीनी की जो मिलें रहती हैं उनमें, तब चीनी के साथ में एक, उसको जब साफ करते हैं तो एक झाग कह लो, जो उसके पूरा कचरा होता है उसके अंदर, ठीक है, उसको नितार के अलग रख दिया जाता है, जिसे सीरा कहते हैं। गंदी सी चीनी कह लो, गंदा सा गुड़ कह लो, जगरी, ठीक है, वो होता है, तो उसको मोलासिस कहते हैं। उसमें तो मिठास तो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पहले उसको डाइल्यूट करते हैं, उसका जो मिठास होती है उसको कम कर लेते हैं, 16% तक लेके आते हैं TSS, और pH को भी उसको चेंज करते हैं, तो उसको सिट्रिक एसिड मिला देते हैं उसके pH को चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद उसका फर्मेंटेशन करते हैं। जैसे सीरे से बहुत सी जो कैनरीज हैं जहाँ पे चीनी बनाई जाती है, वहाँ पे सीरे से शराब बनाई जाती है, अल्कोहल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे अपने गंगानगर की शुगर मिल है, गंगानगर शुगर मिल में आपने, वहाँ पे शराब भी बनती है, ठीक है, अल्कोहल भी बनता है, ठीक है। फिर है हनी विनेगार। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम लो ग्रेड हनी। हनी विनेगार जो है शहद से बनाई जाती है, ठीक है, शहद वाला सिरका, शहद से जो कम क्वालिटी का शहद होता है उससे हनी विनेगार तैयार किया जाता है, क्योंकि हनी मीठा होता है, मिठास होती है, उससे इसको तैयार करते हैं। फिर है स्प्रिट विनेगार। स्प्रिट विनेगार इज ए प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय एसिटिक फर्मेंटेशन ऑफ ए डिस्टिल्ड लिक्विड विच इज टर्न टू प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। स्प्रिट क्या होता है, पहले तो स्प्रिट भी जो कैनरी फैक्ट्रीज होती हैं वो भी स्प्रिट भी बनाती हैं। वो स्प्रिट एक कह लो कि तरीके का प्योर एल्कोहल होता है, अपने लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे बर्नर होते हैं उनको जलाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को डिसइन्फेक्टेंट करने के लिए, जैसे कोई टेबल है या कुछ भी, उसको डिसइन्फेक्टेंट करना होता है,
ठीक है, कीटाणु रहित करना होता है तो स्प्रिट को यूज़ करते हैं। तो स्प्रिट जो होता है एक प्योर फॉर्म होती है अल्कोहल की, बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है, तो उसको पहले डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, डिस्टिल्ड होती है, जैसे ब्रांडी है, ब्रांडी से भी प्योर होता है ये। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको पहले एसिटिक फर्मेंटेशन, मतलब वो तो वैसे भी फर्मेंटेड हुआ हुआ है, उसके बाद उसका एसिटिक फर्मेंटेशन करके उससे जो सिरका बनाते हैं वो स्प्रिट विनेगार कहलाता है। फिर है स्पाइसी विनेगार, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्टिपिंग लीव्स और स्पाइसेस इन ऑर्डिनरी विनेगार। जो भी आप विनेगार बनाया, आपने सिरका बनाया, उसके अंदर आप कुछ पत्तियाँ मसालों की और मसाले डाल देते हो, ठीक है, जैसे काली मिर्च डाल दी, इलायची डाल दी, तो जिससे कि वो सुगंधित हो जाए और उसमें उसका थोड़ा बहुत स्वाद आ जाए। तो ऐसी जो सिरका होता है, ठीक है, विनेगार होती है, उसको स्पाइसी विनेगार कहा जाता है। एक सिंपल विनेगार सिरका बना हुआ है, भले सेब का है, भले वो मोलासिस का है, उसमें कुछ पत्तियाँ मसाले डाल देते हैं जिससे कि उसका स्वाद चेंज हो जाए सिरके का, ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेटिक विनेगार, सेकंड टाइप, ठीक है, ब्रेवर्ड के बाद सिंथेटिक विनेगार्स। सिंथेटिक क्या होते हैं, सिंथेटिक विनेगार इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग सिंथेटिक एसिटिक एसिड। सिंथेटिक एसिटिक एसिड एक तरीके से कह लो कि जो लेबोरेटरी के अंदर एसिटिक एसिड तैयार किया जाता है केमिकल को मिला के, ठीक है, तो उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड जो लेबोरेटरी के अंदर होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, ठीक है, और वो केमिकलों से तैयार किया हुआ होता है। जहाँ फिर ये कह लो कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है वो केमिकल रेजिएंट है, ठीक है, तो उसको उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको 4% तक ले आते हैं, उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, उसको पतला कर लेते हैं, तनु कर लेते हैं, ठीक है, 4% तक ले आते हैं, और उसके अंदर कलर थोड़ा सा करने के लिए कि उसका हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाए, उसमें कैरेमल कलर जो होते हैं वो मिला देते हैं। अब कैरेमल कलर क्या होते हैं, अब जब ब्राउनिंग पढ़ोगे, ठीक है, ब्राउनिंग वैसे मैं अपने आप टॉपिक नहीं है, पर ब्राउनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ब्राउनिंग क्या होती है, जैसे एप्पल काट दिया उसका, ठीक है, एप्पल का फल लिया आपने, उसको ऊपर से काट दिया तो वो ब्राउन हो जाती है उसकी सतह, क्योंकि उसमें टैनिन कंटेंट होता है, टैनिन ऑक्सीडाइज होता है, या कह लो कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है, काटने के बाद वो पीला ब्राउन सा हो जाता है, ठीक है, तो वो भी ब्राउनिंग है। दूसरा होता है कैरेमलाइजेशन, कैरेमलाइजेशन भी एक तरीके की ब्राउनिंग है, जैसे कोई चीज़ जिसमें चीनी है वो बड़ी बड़ी ब्राउन हो जाती है, जहाँ कह लो कि जो चीनी को अगर जलाते हैं अपने तो वो ब्राउन हो जाती है, तो उस जो चीनी को ऐसे करके ब्राउन करते हैं भाई कलर चेंज करने के लिए, तो उस कलर को यूज करते हैं सिंथेटिक विनेगार बनाने के अंदर, उसका कलर चेंज करने के लिए, ठीक है, कि उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन सा रहे, थोड़ी सी नेचुरल टाइप की लगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी का जो जलाने के बाद वो कैरमेल्स बनते हैं उनको मिला दिया जाता है, कैरमल कलर को मिला देते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंथेटिक एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसको डाइल्यूट कर लिया, पतला कर लिया, और मार्केट में उसको बोतलों में डाल डाल के बंद करके बेच दिया, ठीक है, उसको सिंथेटिक विनेगार कहते हैं। फिर है विनेगार प्रिपेयरिंग मेथड्स, जो विनेगार बनाने की विधियाँ हैं। विनेगार इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, विधियों से बनाया जाता है। पहली तो है स्लो प्रोसेस, फिर है ओरलींस स्लो प्रोसेस, ठीक है, एक होती है क्विक प्रोसेस और जनरेटर और जर्मन प्रोसेस, ठीक है, इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं आप, क्विक भी कह सकते हो, जनरेटर भी कह सकते हो, जर्मन प्रोसेस भी कहते हो, ठीक है। तो पहले अपने एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो विनेगार के अंदर पहली है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज इन इंडिया, जो ये विधि है वो भारत के अंदर बहुत ही कॉमनली यूज की जाती है। द जूस और शुगर सॉल्यूशन स्टोर्ड इन अर्थन पोट्स और वुडन बैरल्स इज कीप्ड इन ए वार्म मोइस्ट रूम फॉर एटलीस्ट 5 to 6 months टू अलाउ स्पॉन्टेनियस एल्कोहलिक एंड एसेटिक फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जो शुगर होता है, सॉरी शुगर का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कह लो कि चाशनी एक तरीके की पतली चाशनी, और इसके अलावा आप जूस भी ले सकते हो, ठीक है, जूस को मिट्टी के जो मटके रहते हैं, घड़े रहते हैं, या लकड़ी के जो बैरल्स होते हैं, उनमें डाल के एक गर्म और आदर यानी कि एक नम जगह पे कम से कम 5 से 6 महीनों तक उसको स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है, और जिसमें क्या होता है कि जब उसमें आपने शुगर वाली कोई चीज़ मीठी चीज़ डाली है
तो उसमें पहले उसमें फर्मेंटेशन होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, एक गर्म जगह पे, और अच्छी फंगस यीस्ट को बढ़ने के लिए एक अच्छी कंडीशन मिल रही है, तो उसमें पहले तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। बाद में उसके जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसमें एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसमें स्टार्टर डालते नहीं है, कोई स्टार्टर नहीं डालते, बस उसको 5 से 6 महीने तक स्टोर करके रख देते हैं उस जूस को, तो अपने आप ही उसमें दोनों फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। नो स्पेशल केयर इज टेकन, बट द माउथ ऑफ द कंटेनर इज कवर्ड विद ए क्लॉथ टू कीप अवे इंसेक्ट डर्ट एक्सेट्रा। इसमें कोई स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कोई स्पेशल केयर नहीं रखते उसकी, बस उस जो मिट्टी के जो बर्तन है उसका जो मुंह होता है उसको कपड़े से बांध देते हैं, जिससे कि हवा तो आर पार क्रॉस हो पर उसमें जो मिट्टी है या कोई इंसेक्ट है उसके अंदर ना जाए। ठीक है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड आर इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ वाइन एंड लो ईल। इसका जो एक कह लो कि एक कमी है, ठीक है, इसकी कि एक इससे जो वाइन सॉरी इससे जो विनेगार बनेगा, सिरका बनेगा, उसकी एक तो क्वालिटी कम होगी, ठीक है, कम क्वालिटी का होगा, उसके अलावा उपज भी कम मिलेगी आपको, उपज से मतलब है कि कम मात्रा में सिरका बनेगा इससे। ठीक है, सेकेंड विधि है ओरलींस स्लो प्रोसेस। द विनेगार प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस इज क्लियर्ड एंड सुपीरियर क्वालिटी। द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस आर, जो इसके अंदर ओरलीन स्लो प्रोसेस से जो सिरका बनता है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है, मतलब बहुत ही अच्छी उम्दा क्वालिटी का सिरका बनता है। ठीक है, बहुत ही साफ होता है, और इसकी जो स्टेप है, मतलब एक स्टेप वाइज होती है ये प्रोसेस, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, उसमें तो आपने एक बार भरा मटके के अंदर रख दिया, 6-7 महीने बाद उसको खोला तो अपने आप ही सिरका बना हुआ था, बस छान लिया और यूज कर लिया। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स होते हैं। पहला है फ्रूट सिलेक्शन, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, मैंगोज, डेट, जामुन एंड एनी अदर फ्रूट्स ऑफ द थर्ड कैटेगरी हुज जूस कंटेंट्स अबाउट 10% शुगर आर टेकन। जैसे कोई ग्रेप्स है, एप्पल है, ऑरेंज, मैंगो या कोई भी फल है, डेट, जामुन, ठीक है, इनमें से कोई भी फल ले लिया जाता है जो कि थर्ड कैटेगरी का हो। थर्ड कैटेगरी मतलब बिल्कुल ख़राब सा, थोड़ा सा उसमें बस मीठा, कम से कम 10% तक उसमें शुगर हो, बस घटिया क्वालिटी के सेब को ले लिया जाता है, सेब है या कोई भी फल को ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द पल्प एंड स्किन्स ऑफ द फ्रूट डिस्कार्डेड ड्यूरिंग कैनिंग एंड जैम मेकिंग कैन आल्सो बी यूज्ड। जो कभी कभी क्या होता है कि कैनिंग के दौरान अपने कैनिंग कर रहे होते हैं, डिब्बाबंदी कर रहे होते हैं फलों सब्जियों की, सॉरी फलों की, तो उसके बाद जो छिलके बच जाते हैं उनके, जहाँ उसका कोई ऐसा पार्ट बच जाता है पल्प का जिसको अपने डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं कैनिंग करते टाइम, जो ख़राब होता है कह लो एक तरीके से, तो उसको भी इसके अंदर यूज किया जा सकता है, उसको भी इसमें यूज कर लेते हैं उन पार्ट्स को। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको ताज़े फल लेके आने और उन फलों से आपको जूस निकालना है, हाँ जो कैनरीज के अंदर जो फल बच जाते हैं, टुकड़े बच जाते हैं, कचरा बच जाता है, उससे भी इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर है जूस एक्सट्रैक्शन, जूस कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जूस कैसे निकालते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर कट इनटू स्मॉल पीसेज एंड देन क्रश्ड और प्रेस्ड इनटू ए कोर्स मसलिन क्लॉथ। जो फल और सब्जियां होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, फिर उसके बाद उनको पीस लेते हैं या उसको क्रश कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, फैट देते हैं, उसके बाद उसमें से निचोड़ कर, कपड़े से निचोड़ कर उसके जूस को अलग कर लेते हैं। फ्रूट्स दैट डू नॉट जूस ईजिली आर हीटेड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर प्रेसिंग। और जिन फलों से रस आसानी से नहीं निकलता, मतलब आसानी से वो रस नहीं देते, ठीक है, मतलब उनमें रस कम होता है, तो उनको पहले थोड़ी देर थोड़े गर्म पानी के अंदर बॉयल कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं, फिर उनको निचोड़ के उनका रस निकाल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन। पहले अपने जूस निकाल लिया, अब जूस निकालने के बाद जूस इज हीटेड पास्चराइज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन फिल टू 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी इन ए ग्लास कार्बोय अर्थन पोट और वुडन बैरल्स। जूस को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, या कह लो एक तरीके की पास्चराइज कर लेते हैं। ठीक है, गर्म करने से या पास्चराइज करने से क्या होता है कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई यीस्ट है, बैक्टीरिया है, जो वाइल्ड यीस्ट या बैक्टीरिया है, वो मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद इस जूस को ग्लास के जो कार्बोय होते हैं, या कह लो कि जार होते हैं, बड़े बड़े बोतलें रहती हैं, ठीक है, उनके अंदर, या फिर अर्थन पोट्स जो मटके रहते हैं मिट्टी वाले मटके, ठीक है, इसके अलावा
जो वुडन बैरल्स, जो लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े बैरल्स होते हैं, उनके अंदर उसके तीन चौथाई भाग, तीन चौथाई उसको भर लेते हैं। ठीक है, इन कोई भी ले लो, भले ग्लास का हो, ठीक है, जार हो या फिर मटका हो, उसको तीन चौथाई भर लेते हैं जूस के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें आगे दो स्टेप होते हैं। जैसे आपको पता है कि सिरका बना रहे हैं तो फर्मेंटेशन के दो स्टेप रहते हैं। एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है पहले, तो उसमें जैसे सिंपल विन अपने वाइन बनाते हैं सेम वही। फिर उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जब फर्मेंटेशन होता है, एसेटिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो पहला होता है, अपने उसी को पढ़ते हैं चलो, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर प्योर वाइन जीस्ट पाउडर ऑब्टेंड फ्रॉम द वाइनरी और केमिस्ट शॉप्स इज टेकन एंड डिजोल्व इन स्लाइटली वार्म जूस एंड देन एडेड टू द होल जूस एट द रेट ऑफ 1.5 ग्राम पर लीटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। इसके बाद जो एक पाउडर फॉर्म के अंदर जो वाइन जीस्ट होती है, वो पाउडर फॉर्म में जहाँ तो आप केमिस्ट की दुकान जो रहती है वहाँ से, या फिर एक वाइनरी जहाँ पे शराब बनाई जाती है उसकी फैक्ट्री है वहाँ से उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो मिल जाती है वहाँ पे पाउडर फॉर्म में। उस पाउडर को 1.5 ग्राम पर लीटर जूस के हिसाब से, ठीक है, थोड़ा सा जूस पहले अलग ले लेते हैं, वैसे मिलाना तो 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जितना जूस है उसके हिसाब से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिलाना है। ठीक है, उसकी मात्रा को लेकर थोड़ा सा जूस गर्म करके, हल्का सा गर्म करके उसमें मिला लेते हैं। पहले घोल बना लेते हैं, गाढ़ा सा घोल बना लिया, फिर उसे धीरे धीरे पूरे जूस के अंदर हिलाते हुए मिलाया जाता है। ठीक है, द माउथ ऑफ द कार्बोय और बैरल्स इज क्लोज्ड विद ए लूज डॉट और कॉटन वूल टू अलाउ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू एस्केप। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मस्ट बी कंप्लीटली रिमूव, अदरवाइज इट हिंडर यीस्ट ग्रोथ, सॉरी यीस्ट फर्मेंटेशन। जो उसका माउथ होता है, ठीक है, माउथ मतलब उसका मुंह रहता है बोतल का, उसको या तो रुई का एक डॉट बनाकर उससे बंद कर देते हैं, प्लग से उसको बंद कर दिया जाता है, हल्का सा बंद कर लेते हैं, जिससे कि रुई इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती रहे, बाहर निकल जाए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरे तरीके से बाहर नहीं निकलती उस गिलास के या फिर मिट्टी के मटके में से, तो क्या होता है कि वो जो जीस्ट फर्मेंटेशन की प्रोसेस रहती है वो चेक हो जाती है, या कह लो कि रुकना स्टार्ट हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। ठीक है, इट टेक्स 3 वीक्स फॉर फर्मेंटेशन टू कंप्लीट। इसे 3 सप्ताह का समय लगता है फर्मेंटेशन को कंप्लीट होने के लिए, मतलब जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसे 3 सप्ताह का समय लगता है इसे पूरा होने के लिए। ऑल द शुगर इज कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल विच कैन बी सीन बाय द टेस्ट ऑफ ए रिफ्रैक्टोमीटर विद ए TSS ऑफ 0 to 1%। जो अपने को कैसे पता चलेगा कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए आप रिफ्रैक्टोमीटर से इसे जांच कर सकते हो। जो आप जूस लिया है उसके अंदर जो उसका TSS होगा लास्ट फाइनल का, वो 0 या फिर 1 होगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है तो अभी आपको और फर्मेंटेशन की ज़रूरत है, मतलब अभी और टाइम लगेगा, फर्मेंटेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है या उसका TSS ज़्यादा है। ठीक है, इसको आप आसानी से मेजर कर सकते हो। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के दौरान द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 22 to 27 डिग्री सेल्सियस, एज फर्मेंटेशन स्टॉप अबव 41 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 7 डिग्री सेल्सियस। पूरे फर्मेंटेशन की प्रोसेस के प्रक्रिया के दौरान जो टेम्परेचर है उसे 22 से 27 के बीच में रखा जाता है, मतलब इतना टेम्परेचर उस रूम का या चैम्बर का मेंटेन करके रखा जाता है जहाँ पे वो कार्बोइज या फिर जो आपने वुडन अर्थन पोट्स या फिर बैरल्स रखे हैं वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अगर 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है या 7 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस रुक जाती है। द फर्मेंटेड जूस इज स्टोर्ड फॉर 1 to 2 वीक्स फॉर सेडिमेंटेशन एंड देन फिल्टर्ड विद ए क्लॉथ, और द जूस इज शिफोन्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप एंड फिल्ड इन टू ए क्लीन कंटेनर दैट इज फिल्ड टू 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी। जैसे ही फर्मेंटेशन पूरी हो जाती है तो उसके बाद उस जूस को 1 से 2 वीक के लिए सेडिमेंटेशन के लिए, सेडिमेंटेशन मतलब कह लो कि जो उसका भारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाएं। ठीक है, तो इसके लिए उसको
रख दिया जाता है, स्टोर कर लेते हैं 1 से 2 वीक के लिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर से उसके जूस को पहले तो छान लेते हैं, फिर उसके बाद जूस जो बचता है उसको शिफॉन्ड ऑफ कर लिया जाता है, ऊपर से निकाल लिया, ऊपर से नितार लिया जाता है, जो भारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसे धोए हुए कह लो जहाँ साफ कंटेनर्स के अंदर, उसके 3/4 कैपेसिटी के अंदर, जहाँ कह लो कि 1/3 कोई भी आगे, फिर उसने मान लो कि बैरल जो है वो ले लिए, लकड़ी के बैरल बने हुए हैं जो, या फिर जो ग्लास कार्बो है उसी के अंदर वापस धोए हुए जो साफ हैं उनके अंदर वापस से भर लिया जाता है 1/3 दूसरी बार उसको साफ करके। विनेगार फर्मेंटेशन शुड ओनली बी डन आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कंप्लीट, अदरवाइज द जीस्ट विल स्लो डाउन द फर्मेंटेशन। विनेगार फर्मेंटेशन उसी टाइम इसको चालू किया जाता है कि भाई पहले अपने को श्योर कर लेना चाहिए कि जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो पूरे तरीके से हो चुका है, यानी कि अपने जो TSS देखा था 0 से 1% होना चाहिए रिफ्रैक्टोमीटर से, वो नोट कर लेना चाहिए कि भाई अपने को चेक कर लेना चाहिए कि ये मैच्योर हो चुका है, जहाँ ये कह लो कि इसमें पूरी तरीके से फर्मेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस। अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरी नहीं होती तो इसके बाद जो यीस्ट है वो नेक्स्ट फर्मेंटेशन को होने नहीं देती, उसकी फर्मेंटेशन को वो कंप्लीट मतलब स्लो कर देती है उस प्रोसेस को, ठीक है। अगर उसमें जो जीस्ट है अभी फर्मेंटेशन पूरे तरीके से एल्कोहल फर्मेंटेशन पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, उस सारे के सारा जितना भी शुगर है वो एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसके अंदर जीस्ट थी, वो जीस्ट दूसरे बैक्टीरिया जो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होता है उसको ग्रोथ करने में करने नहीं देती, जहाँ कह दो कि उसकी ग्रोथ को स्लो कर देती है, ठीक है। फॉर विनेगर फर्मेंटेशन द एल्कोहल कंटेंट ऑफ द फर्मेंटेड लिक्विड इज एडजस्टेड टू 7 to 8% बाय डायल्यूटिंग इट विद वाटर, एज एसिटिक एसिड बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो इन हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। फॉर विनेगर फर्मेंटेशन के लिए जो एल्कोहल कंटेंट होता है लिक्विड के उसको एडजस्ट कर लिया जाता है, मतलब अगर एल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, जो आपने अभी पहले एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ उसमें जो TSS 0 से 1% हो गया था उस टाइम उसका एल्कोहल जो फर्मेंटेशन था वो कंप्लीट हो गया था, उस टाइम उसमें एल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, हो सकता है 12 हो, 10 हो, कितनी भी हो सकती है, तो उसको थोड़ा पानी मिला के, ठीक है, जो साफ़ की हुई आपने वाइन साफ़ कर के बैरल्स के अंदर फिर से वापिस से भर ली है तो उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, 7 से 8% ही उसमें एल्कोहल होना चाहिए जिससे कि एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, सॉरी ठीक है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया अच्छी ग्रोथ करे। अगर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है तो एल्कोहल की तो ये बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता, ठीक है, ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर एल्कोहल की ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता। देन विनेगार फर्मेंटेशन नेक्स्ट जो दूसरा किण्वन की प्रक्रिया है, या फिर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन भी कह सकते हो, दिस इज डन बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, यह एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ठीक है, पहले वाली जीस्ट के द्वारा होती है, दूसरी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अनपास्चुराइज विनेगार और मदर विनेगार इज थ्रोली मिक्सड इन ए रेशियो ऑफ 1:10 टू द प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब मैं एक और बताऊं तुम्हें चीज, कई बार क्वेश्चन होता है कि मदर विनेगार क्या है, डेफिनेशन पूछी जाती है, तो मदर विनेगार क्या होता है, एक पुराना सिरका कह सकते हो, ठीक है, जो अनपास्चराइज्ड हो जिसमें पास्चराइजेशन की प्रोसेस ना हो, अगर पास्चराइजेशन हो जाता है तो उसमें जो बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, किण्वन करेगा जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेगा वो खत्म हो चुका होता है, इसीलिए जो भी आप स्टार्टर के रूप में जहाँ पुराना सिरका होता है जिसको स्टार्टर के रूप में यूज किया जाना होता है, जाग लगाने के लिए यूज करना होता है, उसे मदर विनेगार कहते हैं, ठीक है, मदर विनेगार, या इसको एक और भी नाम है अनपास्चराइज्ड विनेगार भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें पास्चराइजेशन नहीं किया हुआ होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो जिंदा होता है, मरा हुआ नहीं होता, ठीक है, जिसको स्टार्टर के रूप में यूज करते हैं उसे मदर विनेगार कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। अनपास्चराइज विनेगर और मदर विनेगर इज थ्रोली मिक्सड इन ए रेशियो ऑफ 1:10 टू द प्रोड्यूस सॉरी टू द प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट होता है उसमें अनपास्चराइज्ड, ठीक है, विनेगर या फिर मदर विनेगर 1:10 के, मतलब 10 लीटर जूस है तो उसके अंदर 1 लीटर के हिसाब से मिलाया जाता है, 1 लीटर अनपास्चराइज विनेगर
और 10 लीटर जूस के अंदर, जहाँ कह लो कि 10 लीटर जो फाइनल प्रोडक्ट है, अल्कोहल प्रोडक्ट है आपने बनाया, अभी फर्मेंटेशन होके कंप्लीट हुआ उसके हिसाब से, ठीक है। 10 लीटर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, शराब है जहाँ आपकी वाइन है, उसके अंदर 1 लीटर मदर विनेगर को मिलाया जाता है। देयर आफ्टर द फ्लड शुड नॉट बी डिस्टर्ब, अदरवाइज द फिल्म ऑफ विनेगर बैक्टीरिया ब्रेक डाउन एंड विल सिंक टू द बॉटम एंड कंज्यूम द न्यूट्रेंट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट प्रोड्यूसिंग विनेगर। उसके बाद क्या करते हैं, उसको बिना हिलाए हुए, मतलब एक बार आपने उसको डाल दिया, ठीक है, उसके बाद उसे एक फिल्म बन जाती है, उस जो भी आपका बैरल्स है जिसके अंदर आपने उसको भरा है, वहाँ पे एक ऊपर एक वाइट कलर की फिल्म बन जाती है। फिल्म से मतलब होता है एक ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो पूरे के पूरे जो आपका अल्कोहल रहता है उसको कवर कर लेती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है ऊपर पूरे लिक्विड के ऊपर, जिसको तोड़ना नहीं चाहिए, जिसको मतलब बाद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। वो जो बैक्टीरिया की ऊपर लेयर बनी है, ठीक है, फिल्म बनी है, अगर उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं या हिला देते हैं, थोड़ा बहुत बैरल हिल जाता है तो वो नीचे बैठ जाती है, जमीन नीचे घुल जाएगी, ये कह लो उसके पैंदे की तरफ चली जाएगी नीचे बैरल के, जो क्या करेगी, जो भी उस एल्कोहल के अंदर न्यूट्रेंट्स हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के अंदर, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी और विनेगर नहीं बनेगा आपका, सिरका नहीं बनेगा। जब तक वो ऊपर फैली रहती है तभी तक ही अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। जैसे ही वो टूट जाती है ऊपर वाली फिल्म, अंदर घुल जाती है, ठीक है, तो उसको हिलाना नहीं चाहिए आपको, बैरल्स जो भी आप जिसमें भी बर्तन में आपने उसको फर्मेंटेशन के लिए रखा है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया डालने के बाद, उस बर्तन को हिलाना नहीं है। ऊपर एक फिल्म बनेगी, एक लेयर बन जाएगी, उसको कवर कर लेगी, और अगर उसको तोड़ देते हैं अंदर बैठ जाती है और पूरे के पूरे न्यूट्रेंट्स उस लिक्विड में से अब्जॉर्ब कर लेगी, खींच लेगी, ठीक है। द माउथ ऑफ द कंटेनर इज सील्ड विद ए कोर्क हैविंग टू होल्स फॉर प्रॉपर एरेशन। जो कंटेनर जिसमें भी आपने उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए, सॉरी एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन के पूरे प्रोडक्ट को डाला है, उसका मुंह 2 छेद वाले ढक्कन से बंद कर देते हैं, कोर्क से बंद कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर एरेशन रहे, अंदर से हवा बाहर अंदर होती रहे, ठीक है, एरेशन के लिए। द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड इज मेंटेन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड फर्मेंटेशन इज कंप्लीटेड इन 10 to 15 वीक्स। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री मेंटेन किया जाता है, जो बैरल्स रखे जाते हैं या कंटेनर रखे जाते हैं वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, और इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को होने के लिए, मतलब एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन को होने के लिए 10 से 15 सप्ताह का समय लगता है। देन द विनेगर इज फिल्टर्ड थ्रू ए थिक क्लॉथ। उसके बाद जो विनेगर बनता है, सिरका बनता है, उसे एक मोटे कपड़े से छान लेते हैं। फिर है एजिंग, जैसे अपने वाइन के अंदर पड़ा था मैच्योरेशन, ठीक है, उसको एजिंग भी कहा था मैंने। तो विनेगर प्रिपेयर्ड बाय द अबव मेथड इज क्लाउडी एंड डज नॉट टेस्ट गुड। जो इस तरीके से सिरका बनता है वो धुंधला होता है, क्लाउडी होता है, और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता। इट इज़ स्टोर्ड इन कंटेनर्स फॉर 4 to 8 months। उसके बाद इन्हें फिर वापस से कंटेनरों के अंदर स्टोर किया जाता है, मतलब छान लिया, वो जो बैक्टीरिया वाली ग्रोथ है उसको हटा दिया, ठीक है, बिल्कुल छान के वापस से कंटेनरों के अंदर स्टोर कर लेते हैं 4 से 8 महीने के लिए, ड्यूरिंग विच टाइम द विनेगर इज़ डेवलप ए नाइस अरोमा एंड टेस्ट एंड बिकम मेलो। इस दौरान, मतलब 4 से 8 महीने के दौरान, जो सिरका है वो एक अच्छी सुगंध और स्वाद पैदा कर लेता है, उसमें विकसित हो जाता है और साथ में मधुर हो जाता है, उसका जो स्वाद रहता है, जो उसका जो कड़वाहट तरीके की होती है वो भी मधुर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन मतलब उसको साफ करना, मतलब आप उसका 4 से 8 महीने तक पड़ा रहा, उसके बाद वापस से उसको साफ कर लेते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं उसका। क्लियर मैच्योर लिक्विड इज़ टू बी टेकन आउट एंड फिल्टर्ड। जो उसको लिक्विड को, मैच्योर क्लियर लिक्विड होता है, उसको ले लिया जाता है और उसको फिल्टर कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं। देन कलरिंग, कैरेमल कलर्स इज एडेड फॉर कलरिंग। उसमें कैरेमल कलर को ऐड किया जाता है कलर विकसित करने के लिए, जहाँ कह लो कि कलर उसमें डेवलप करने के लिए, उसको हल्का सा ब्राउन कलर देने के लिए, जो भी अभी सिरका बना है उसको हल्का सा कलर दे दिया जाता है ब्राउन कलर जैसे, तो कैरेमल कलर मिला देते हैं। कैरेमल कलर जैसे ब्राउनिंग के अंदर आप पढ़ोगे कैरेमलाइजेशन, ठीक है,
तो कैरेमल, जैसे मान लो कि चीनी को जला दिया आपने हल्का सा, तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है, वो प्रोसेस कैरेमलाइजेशन कहलाती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो कैरेमल्स कहलाता है, ठीक है। उस कैरेमल को थोड़ा सा लेके उस विनेगार के अंदर मिला दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि उसका हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाता है। देन है पास्चराइजेशन। अब सिरका तैयार हो गया, अगर उस सिरके को अपने आगे यूज़ करना है नया और सिरका बनाने के लिए, फिर तो पास्चराइजेशन प्रोसेस नहीं की जाती उस सिरके की, ठीक है। उसको मदर विनेगार भी कह सकते हो आप, जो अगर अनपास्चराइज करोगे। हाँ, अगर आपको उसको यूज़ करना है आगे, यूज़ करने से मतलब है कि आप उसको खाने के अंदर यूज़ करना चाहते हो, तो उसको पास्चराइजेशन कर दिया जाता है उसका, ठीक है। तो विनेगार इज पाउड इंटू ए प्री स्टरलाइज बोतल्स। जो विनेगार होता है, सिरका होता है, उसे पहले से निर्जमीकृत की हुई बोतलें, या कह लो कि पहले से जो स्टरलाइज की हुई बोतलें रहती हैं, ठीक है, कीटाणु रहित की हुई बोतलें रहती हैं, उनके अंदर उनको भर लिया जाता है। द बोतल्स इज हीटेड पास्चराइजेशन इन हॉट वाटर एट 71 to 77 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद इन बोतलों को, ठीक है, बंद करने के बाद इन बोतलों को गर्म पानी के अंदर, जो गर्म पानी है उसका 71 से 77 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी के अंदर 15 से 20 मिनट तक डुबो के रखा जाता है उन बोतलों को, पास्चराइज किया जाता है, कहने का मतलब है, ठीक है। टू प्रिवेंट फर्दर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ विनेगर इज मेंटेन ड्यूरिंग स्टोरेज। जिससे क्या होता है कि जो उसमें बैक्टीरिया मौजूद था, जिसने एसिटिक एसिड बनाया था, उसकी आगे ग्रोथ ना हो, ठीक है, वो रुक जाता है पास्चराइजेशन के बाद। पास्चराइजेशन कर देते हैं जिससे वो बैक्टीरिया भी किल हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर वो मर जाता है तो स्ट्रेंथ होती है, जो स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत, उसकी जितने उसमें परसेंट, मतलब 5% है, 4% उसमें जो एसिटिक एसिड की मात्रा है वो मेंटेन रहती है, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। उसके बाद जब भी आप स्टोर करके रखो तो उतनी ही बनी रहे लास्ट तक, ऐसे नहीं कि वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर बैक्टीरिया ग्रोथ करता रहता है तो उसके न्यूट्रेंट्स हो सकता है वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दे बैक्टीरिया, क्योंकि अब फिल्म नहीं बना रहा। हो सकता है कि अगर पूरा पास्चराइजेशन नहीं हुआ तो उसमें वो स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है, वो बैक्टीरिया बाद में उस चीज़ को ख़राब करता है, इसलिए उसको पास्चराइज कर दिया जाता है कि आगे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। फिर है जो थर्ड मेथड है, अब अपने ओरलिंस मेथड पढ़ रहे थे, ठीक है, क्विक मेथड है जो, सॉरी ऑर्लिन्स मेथड। उसके बाद तीसरा जो विधि है, इसको क्विक प्रोसेस भी बोल देते हैं, इसको जनरेटर विधि भी बोल देते हैं, और जर्मन प्रोसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, अपराइट जनरेटर, जिसके अंदर पिक्चर नीचे दिखाई दे रही होगी। इसमें तीन कंपार्टमेंट होते हैं, जहाँ तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं। वैसे इन दिस प्रोसेस एडिशनल ऑक्सीजन इज सप्लाइड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। इस प्रोसेस के अंदर मतलब उसको जो बैक्टीरिया है अंदर, ठीक है, उसको अलग से ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा की जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन दी जाती है कि वो ज़्यादा ग्रोथ करे। अगर वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो वो जल्दी फर्मेंटेशन की प्रोसेस, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेगा, और जल्दी एसिटिक एसिड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें एडिशनल ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इज ऑल्सो इंक्रीज, रिजल्टिंग इन रैपिड फर्मेंटेशन। जिससे कि जो सरफेस होती है, मतलब जो ऊपर फिल्म बनती है, वो ज़्यादा जल्दी बन जाती है, और जिससे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस वो तेज़ हो जाती है। द इक्विपमेंट यूज इन दिस प्रोसेस इज नॉन एज अपराइट जनरेटर। और इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ होता है ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, वो अपराइट जनरेटर कहलाता है, ठीक है, इसलिए इसको जनरेटर विधि भी कहते हैं। विच इज सिलेंडर शेप्ड, मतलब एक सिलेंडर की तरह है, ठीक है, बेलन की तरह कह लो, गोल, ठीक है, गोल तो क्या होगा, सिलेंडर, सिलेंडर की तरह होता है, इसकी शेप होती है, जिसकी जो ऊंचाई है 3.66 to 4.22 मीटर होती है, मतलब 3.66 से लेके 4.22 मीटर की ऊंची होती है, एंड डायमीटर फ्रॉम 1.2 to 1.5 मीटर, और इसका जो डायमीटर रहता है वो 1.2 से 1.5 मीटर तक रहता है, ठीक है, इस अपराइट जनरेटर की ऊंचाई और डायमीटर। विच इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री कंपार्टमेंट्स, तीन कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड होता है ये जो अपराइट जनरेटर है, ठीक है। एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग, दूसरा होता है सेंट्रल, तीसरा होता है रिसीविंग, ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं। फिर है विनेगार प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स। विनेगार के प्रोडक्शन के अंदर समस्याएं क्या 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 आती हैं। पहली समस्या है, कई बार ये क्वेश्चन डेफिनेशन के अंदर पूछा जाता है, वाइन फ्लोवर क्या है। व्हेन अनफर्मेंटेड जूस इज एक्सपोज टू एयर,
जब अनफर्मेंटेड जूस, जिसमें अभी फर्मेंटेशन नहीं हुआ ऐसा जूस, सीधा हवा के संपर्क में आता है, ए फिल्म लेयर ऑफ जीस्ट कॉल्ड वाइन फ्लोवर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, एक जीस्ट की लेयर बन जाती है उसके ऊपर, जिसे वाइन फ्लोवर कहा जाता है। जैसे एसिडिक एसिड बैक्टीरिया एक लेयर बनाता है ना ऊपर, वैसे ही जब एक अनफर्मेंटेड जूस के अंदर, ठीक है, अकिण्वित रस के अंदर, उसको हवा के अंदर एक्सपोज कर दें, ठीक है, थोड़े दिन तक वो पड़ा रहे, तो उसके ऊपर एक यीस्ट की लेयर बन जाती है, ऊपर से वो कवर कर लेती है। ठीक है, जो वो लेयर को ही वाइन फ्लोवर कहा जाता है, वाइन फ्लोवर कहते हैं उस यीस्ट की लेयर को, वाइन फ्लोवर कहते हैं। ठीक है, द फिल्म काज क्लाउडीनेस, जो फिल्म होती है वो जूस को क्लाउडी बना देती है, धुंधला बना देती है, एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय द एल्कोहल, और उसके अलावा जो उसके अंदर एल्कोहल होता है उसको भी ख़त्म कर देती है। ठीक है, विनेगार के अंदर तो उस फिल्म को हटाना नहीं चाहिए, जब एसिटिक एसिड बनाते हैं तब उस फिल्म को नहीं तोड़ना चाहिए बैक्टीरिया की, नहीं तो वो न्यूट्रेंट्स ले लेती हैं। पर जो वाइन फ्लोवर, यानी कि जो पहले जीस्ट की ग्रोथ होती है वाइन बनाने के लिए, वो एक लेयर बनाती है तो उसको तोड़ देते हैं। अगर वो बन जाती है तो क्या कहते हैं कि वो, एक तो जो आपका नीचे एल्कोहल बनेगा वो क्लाउडी बनेगा, और उसके अलावा एल्कोहल की क्वालिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देगी, एल्कोहल कंटेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। द ग्रोथ ऑफ वाइन फ्लोवर कैन बी स्टॉप्ड बाय, इसे स्टॉप किया जा सकता है, फिलिंग द कार्बॉय और बैरल्स टू द ब्रिम, कि जो जिस कोई अंदर आपको फर्मेंटेशन कराना है, ठीक है, भले वो बैरल्स है या फिर आपका ग्लास कांच का जार है, उसको पूरा मुंह तक भरना है आपको, ब्रिम तक भरना है, पूरा मुंह तक भर दो उसको, 3/4 या खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा मुंह तक भर दो। इसके अलावा एडिंग 20-25% अनपास्चराइज विनेगार, उसके अलावा आप 20-25% उसके अंदर कह लो कि एक तरीके का, जिसमें पास्चराइजेशन ना किया हो ऐसा सिरका मिला दो 20-25%। ठीक है, तो उससे भी आपका जो वाइन फ्लोवर है नहीं बनेगा। इसके अलावा स्प्रेडिंग लिक्विड पैराफिन ऑन द सरफेस ऑफ द फर्मेंटेड लिक्विड, अगर फर्मेंटेड लिक्विड के अंदर आपको लग रहा है कि वाइन फ्लोवर ना बने, ठीक है, अनफर्मेंटेड के अंदर तो बन सकता है क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होनी है। कई बार क्या होता है कि जो फर्मेंटेड लिक्विड, जैसे एक मान लो कि कोई आपने फर्मेंटेड ड्रिंक बनाई वाइन, या उसमें फर्मेंटेशन पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था और थोड़े बहुत मात्रा में जीस्ट के स्पोर रह गए, ठीक है, जीस्ट रह गई, वो जीस्ट उसके अंदर वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी और एक उसके ऊपर लेयर बना लेगी, तो उस लेयर को स्टॉप करने के लिए आप क्या करोगे, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दोगे। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने के लिए उसके ऊपर एक पैराफिन मोम कह लो, एक तरीके की पैराफिन, ठीक है, मोम होती है जिसमें वैक्सिंग भी करते हैं अपने, तो एक पैराफिन वैक्स को लिक्विड के रूप में, मतलब पिघलाकर उस जूस के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, जिससे वाइन फ्लोवर प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट है, इसी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कई बार ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन फर्मेंटेड जूस इज़ वेरी कॉमन, फर्मेंटेड जूस के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का पाया जाना बहुत ही कॉमन होता है। दिस बैक्टीरिया इंटरफेयर्स विद द एसिडिफिकेशन कॉज क्लाउडीनेस एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच हैज़ एन अनप्रेजेंट फाउल और मॉसी टेस्ट। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब बहुत ही कॉमन होता है, ये बैक्टीरिया इंटरफेयर करता है जो आपकी एसिडिफिकेशन की प्रोसेस, एसिडिफिकेशन होता है उसमें एसिड होता है उसके साथ, जहाँ ये उसको धुंधला कर देता है, ठीक है, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है उसके अंदर जो भी आपका लिक्विड है, ठीक है, जो भी आपकी फर्मेंटेड जूस है उसके अंदर लैक्टिक एसिड को पैदा कर देगा। लैक्टिक एसिड क्या करता है कि एक उसका जो स्वाद होता है ऐसा खट्टा सा स्वाद पैदा कर देता है, ठीक है, मस्टी टेस्ट पूरा पैदा कर देता है। दस डिस्ट्रॉयज द क्वालिटी ऑफ द विनेगर, जो कि जो विनेगर सिरका है उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई यूजिंग 20-25% अनपास्चराइज मदर विनेगर और ए प्योर कल्चर ऑफ यीस्ट। ठीक है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आपका सिरका है तो उसमें 20-25% अनपास्चराइज विनेगार मिला दो, ठीक है, तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो उसको ख़त्म कर देगा, या फिर उसमें प्योर कल्चर मिला दो यीस्ट का, जो आपने
वाइन बनाने के लिए किया था, अगर वाइन बन रही है तो वहाँ पे भी आपको प्योर कल्चर यीस्ट का मिला देना है, अगर वाइन के अंदर है, अगर सिरके के अंदर है तो अनपाश्चराइज सिरका मिलाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है वॉर्म्स, कीड़े उसके अंदर, अमंग इंसेक्ट्स विनेगार फ्लाइज ड्रोसोफिला सेलरिस, इसके अलावा विनेगार लूस एंड विनेगार माइट्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब जो इंसेक्ट हैं, मतलब उसके अंदर जो आपने प्रोडक्ट बनाया है सिरका है, तो उसके अंदर कई बार कुछ इंसेक्ट भी पैदा हो जाते हैं, जैसे विनेगार फ्लाइज है वो पैदा हो जाती है, जब विनेगार की सिरके की जूं रहती है वो पैदा हो जाती है, या सिरके की मकड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं, वो पैदा हो जाती हैं। दीज कैन बी अवॉइडेड ओनली बाई मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, इसे आप अवॉइड कर सकते हो, जहाँ कह लो कि इन्हें आप दूर कर सकते हो, अगर अच्छी हाइजेनिक कंडीशन रखते हो, जब आप उसको पैकिंग करते हो, बोतलों के अंदर डालते हो, जब बनाते हो, उस टाइम अगर हाइजेनिक कंडीशन रखते हो तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो कि ये इंसेक्ट इसके अंदर ना बने। विनेगर ईल्स एंग्विलुला आर थ्रेट लाइक इंसेक्ट, मतलब एक धागे की तरह इंसेक्ट होता है जो ईल्स, विनेगर ईल्स होती है, फाउंड इन विनेगर, जो कि सिरके के अंदर पाई जाती है, विच डिस्ट्रॉय द एसिड, जो कि एसिटिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड कैन बी किल्ड बाय हीटिंग टू अबव 60 डिग्री सेल्सियस, इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, मार सकते हो, कि जो आपका विनेगर सिरका उसको 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लो तो उससे ये ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, या फिर फिल्टरिंग द विनेगर, जो विने सिरका है उसको फिल्टर कर लो, उसको छान लो तो भी ये ख़त्म हो जाती है, जहाँ कह लो कि बाहर उसको छान के अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं। विनेगर ईल्स आर एरोबिक एंड डू नॉट ग्रो इफ़ द कंटेनर इज फिल्ड टू द ब्रिम, जो इन विनेगर ईल्स होती है ये एरोबिक होती है, मतलब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपका ढक्कन एयर टाइट किया हुआ है, ढंग से बंद है, तो ये पैदा नहीं होगी, मर जाएगी। अगर मान लो कि उसमें ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है, कंटेनर के अंदर, तो उसमें ये ग्रोथ कर सकती है, तो इसलिए आपको जो कंटेनर है उसको पूरे मुंह तक भर के बाद में एयर टाइट करना है, ठीक है, ढंग से बंद कर देना है। थैंक यू।